पावर स्टार पवन सिंह और काजल राघवानी की फिल्म धर्मा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर रिलीज होते ही वायरल हो चुका है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ट्रेलर की बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या पवन सिंह की फिल्म धर्मा ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। तो चलिए पहले ट्रेलर की बात कर लेते हैं। अपने जिस जॉनर के लिए पवन सिंह जाने जाते हैं, ये उसी जॉनर की फिल्म है, यानी कि एक्शन फिल्म है। इस फिल्म की कहानी की अगर आप बात करेंगे तो फिल्म की कहानी धर्मा नामक युवक की है, जिसके पिता एक शिव मंदिर के पुजारी हैं और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अब धर्मा को भी उस शिव मंदिर की पूजा करनी है, रक्षा करनी है। अब ऐसे में आजकल का माहौल जो देश में चल रहा है, फिल्म का इशारा भी कुछ उसी तरफ है। खैर, फिल्म में धर्मा की लाइफ बोरिंग ही चलती है, लेकिन जब उसकी लाइफ में उसकी महबूबा की एंट्री होती है, यानी कि काजल राघवानी जो कि तमन्ना का कैरेक्टर निभा रही है, उसकी एंट्री होती है, तो ये फिल्म अपने आप नए रोचक मोड़ों की तरफ बढ़ती है। क्योंकि तमन्ना इस फिल्म में एक मुस्लिम लड़की है, वहीं धर्मा हिंदू लड़का है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरी कहाँ तक जाएगी। लेकिन अपना हीरो बहुत स्ट्रांग है, वो सीधे ये कहता है कि अगर प्यार में साथ नहीं दोगी तो तुम्हें मार दूंगा, ना कि घिसा पिटा डायलॉग मारता है, वो डायरेक्ट मरने और मारने की बात करता है। ये थोड़ा अलग सा है, वो प्यार में बेवफाई सहने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। खैर, आगे चलते हैं फिल्म में। ट्रेलर को देखते हुए ये लगता है कि यहाँ पर तमन्ना यानी कि काजल राघवानी फिल्म की में जो धर्मा की महबूबा है वो डबल क्रॉस करती है और यहाँ पर पवन सिंह की रुसवाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में कोई भी सैड सॉन्ग नहीं है, क्योंकि अपना हीरो दुखी होना प्यार में तो जानता ही नहीं और बेवफाई तो उसकी किताब में ही नहीं है, क्योंकि वो तो बेवफाई के नाम पर सीधे शूट करता है, यानी डायरेक्ट एनकाउंटर। अब ऐसे में रोने धोने वाला पचड़ा तो है ही नहीं। बात अगर गाने की उठ चुकी है तो चलिए बता दें कि एक आइटम सॉन्ग है चांदनी सिंह के साथ और दो गाने इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं काजल राघवानी के साथ, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आगे चलकर ये गाने सुपर डुपर हिट होना तय है। खैर, अगर आपको इस फिल्म में कोई लूप पॉइंट यानी कि कोई कमी देखनी है तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि फिल्म में साहजी शिंदे जैसे कैरेक्टर को, यानी कि जो कि इस फिल्म का विलन है और कई हिंदी और साउथ की फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुका है, उसे और स्क्रीन देनी चाहिए थी और इस फिल्म में और तगड़े डायलॉग देने चाहिए थे, जिस तरह से तगड़े डायलॉग अपने हीरो पवन सिंह को मिला है। खैर, पवन सिंह की इस फिल्म में के लिए हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि विवाद खड़े होते नज़र आ रहे हैं धर्मा में। ये विवाद इसलिए खड़े हो सकते हैं क्योंकि ये एक धर्म को टारगेट करती हुई फिल्म है, जहाँ पर काजल राघवानी ये कहती है, जहाँ पर अपनी हीरोइन तमन्ना ये कहती हुई नज़र आती है कि स्टील प्लांट लगाने के लिए शिव मंदिर को तोड़ा जाए। अब आप ये समझ सकते हैं कि तमन्ना जो कि इस फिल्म में मुस्लिम है, उसके मुंह से इस तरह की बातें निकालना भी फिल्म में विवाद पैदा करने जैसा ही है। वैसे ऐसी फिल्म बनाने के लिए भी जिगर चाहिए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद पवन सिंह के पास है, जो कि विवादों से कोसों दूर रहना तो चाहते हैं लेकिन विवाद उनके समक्ष मुंह फैलाए खड़े ही रहते हैं। ऐसे हम आपको बता दें कि फिल्म में कुछ ऐसा नया नहीं है जिसे आप ये कहें कि हमने इसे अभी तक भोजपुरी पर्दे पर नहीं देखा। आप ये कह सकते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब परोसी गई है, लेकिन भाई जो पवन सिंह के फैन हैं उनके लिए इस फिल्म में कई दमदार डायलॉग हैं, कई दमदार एक्शन सीन हैं और साथ ही बहुत बेहतरीन गाने हैं। तो आप जाइए, जिन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर को नहीं देखा है वो DSR म्यूज़िक पे जाकर, उनके ऑफिशियल चैनल पर जाकर इस फिल्म के ट्रेलर को देख सकते हैं।